मैं सबसे पहले तो आज इस युवा महोत्सव में जो हमारे कलाकार के दल जो यहाँ पर आए हैं उन सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसके बाद इन सभी लोगों को अभी राष्ट्रीय जो खेल महोत्सव है उसमें भी भाग लेना है और निश्चित रूप से आप सब लोग प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और आप सब प्रेरित होकर प्रदेश के अधिक से अधिक युवा हर क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अच्छे काम करने के लिए आपसे प्रेरणा लेकर कार्य करने को प्रेरित होंगे और आज जितने भी हमारे यहाँ पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी वो सभी कलाकार कर्नाटका में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड की ओर से भाग लेंगे। मैं उन सबको भी जो भी यहाँ से चयनित होकर जाएंगे जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा वो सब हमारे राज्य की ओर से प्रतिभाग करेंगे। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी प्रतिभाशाली कलाकार कर्नाटक में जैसा कि अभी हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी ने आप सबसे अपेक्षा करी है कि आप सब लोग वहाँ जाकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको संपूर्ण देश में ले जाने का काम करेंगे। आप सभी लोक कलाकार हमारी सुंदर संस्कृति और परंपराओं के सच्चे अर्थों में जिन जिनको भी यहाँ से कर्नाटका में प्रतिभा करने का अवसर मिलेगा वो सारे के सारे हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को वहाँ पर सजोने का काम सबके सामने रखने का काम सबको हमारी इस विरासत से परिचय करवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए ब्लॉक स्तर से युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले हैं जिससे निश्चित रूप से जो हमारा देश जिसको हम कह सकते हैं जिसकी आत्मा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है ग्राम सभाओं में बसती है पंचायतों में बसती है उन सभी प्रतिभाओं को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से उन सभी को आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न है बल्कि सामर्थ्यवान भी है और बहुत परिश्रमी भी है। हर क्षेत्र में उनको थोड़ा सा भी अगर कहीं पर कोई लाइन मिल जाती है किसी प्रकार की गाइड मिल जाती है तो उस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। आज कोई क्षेत्र हो संस्कृति का क्षेत्र हो साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो खेल का क्षेत्र हो चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश के युवाओं ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है। हाल के दिनों में अनेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के युवाओं ने देश और दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। मैं अपने सभी युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग राज्य का भविष्य हैं भविष्य आप पर निर्भर है। आप सब लोग ये आने वाले समय में संपूर्ण भारत की ताकत बनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अमृत काल प्रारंभ हुआ है अभी अभी हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आज़ादी के 75 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं और इन 75 वर्षों में देश ने अनेकों क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे पास प्राप्त हुई हैं अनेक हमने नए नए आविष्कार किए हैं नई नई जानकारियां जुटाई हैं
हम नई नई मंजिलों को हमने छूने का काम किया है, अब उससे भी आगे बढ़ने का समय है। जहां 75 सालों में हमने आजादी के इन सब कालखंड के बाद हुई उपलब्धियों का जश्न मनाया, हमने रंगारंग कार्यक्रम किए, अब ये आजादी का जो अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल प्रारंभ हुआ है, इस अमृत काल में हम सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो आज प्रदेश के लिए हो, देश के लिए हो, एक व्यक्ति के नाते, एक संस्थान में किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते हो, जिन क्षेत्रों में भी हम काम करते हैं उन क्षेत्रों में हमको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन निश्चित रूप से अपने संपूर्ण सामर्थ्य को लगाकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों में आज हमारी गिनती पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत गंभीरता से लिया जाता था, भारत अपने हितों की भी बात नहीं कर पाता था। आज के समय में भारत को गंभीरता से लिया जाता है, भारत हर वैश्विक मंच पर अपनी बात अपने हितों के लिए करता है, अपने हितों के मुताबिक फैसले भी करवाता है। नया भारत है, उसका परिणाम है। आज हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति के क्षेत्र में आप देखिए, आज धर्म का हो, संस्कृति का हो, तेजी से उत्थान हो रहा है, तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते थे कि पहले के समय में पूरी दुनिया योग को माने? क्या हम कल्पना कर सकते थे कि आज भारत संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, संपूर्ण दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, भारत आगे चल रहा है? उसका परिणाम है, आज हमको देखिए G20 की अध्यक्षता अगर किसी को मिली तो हमारे देश को मिली है भाई। इतना ही नहीं, जहां कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, तमाम प्रकार की परेशानियां उन देशों में खड़ी हो गई है, और हमारा देश जहां 12वें स्थान पर होता था, 13वें स्थान पर होता था, आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हो गए हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, जहां रक्षा के क्षेत्र में हम केवल आयात करते थे एक जमाने, एक बड़ा हमारा बजट केवल और केवल दुनिया के दूसरे देशों से हमारे रक्षा के क्षेत्र में आयात में खर्च होता था, आज हम रक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अब हम निर्यात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की सीमाओं की बात करें, देश की सीमाएं पहले गोली चलती थी तो गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था सैनिकों कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। आज अगर कोई गोली आती है तो भाइयों बहनों, गोली का जवाब किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि वहां पर गोली का जवाब हमारी सेना के लोग गोलों से देने का काम करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा, चाहे गलवान की घटना हो, चाहे तवांग की घटना हो, या पुलवामा में हुआ अटैक हो, सभी के प्रतिक्रिया स्वरूप केवल उन देशों ने ही नहीं देखा बल्कि दुनिया ने भारत की ताकत को जाना है। आज हर भारतवासी के मन में एक स्वाभिमान जगाने का काम, एक विश्वास का भाव जगाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। दुनिया का हर क्षेत्र में आज हर भारतवासी ये कह सकता है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है। एक जमाना था जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात होती थी, डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में भी आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर किसी देश में होता है तो आप केवल हमारे देश में सारा भूमि पर होता है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में भी आज खेल का कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां भारत का तिरंगा न फहराता हो, भारत के खिलाड़ी वहां अच्छा प्रदर्शन न करते हों, उसके पीछे यही हेतु है। आज जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक आ जाए कि कह रहे थे कि आप सबको शुभकामनाएं, मैं भी आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारा ये होना चाहिए कि हम जिस फील्ड में जाएंगे पूरे जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितना हमारे अंदर ताकत है, जितनी हमारी बुद्धि, जितना हमारा काम करने का एक
आकार है, प्रकार है, उन सभी को हम लगाएंगे और हम सबको लगाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमको परिणाम की ओर ले जाए। और परिणाम नहीं भी आएगा, कहीं 1% अगर ऊपर नीचे भी रह गए तब भी मन में संतोष होगा कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बधाई देते हुए कि आज राज्य के सभी युवाओं को भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ किसी भी प्रकार का, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम किसी प्रकार का भी पक्षपात, किसी प्रकार का भी अन्याय राज्य के युवाओं के साथ नहीं होंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा भाइयों ने, चाहे आज भर्तियों की बात हो, चाहे किसी अन्य प्रकरण की बात हो, हम तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम अपने प्रदेश के युवाओं को, नौजवानों को किसी भी कीमत पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, कोई पक्षपात नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, मानता भी हूं और जानता भी हूं कि अगर किसी गरीब माता पिता के बेटे और बेटी के पास अगर कोई सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो उसकी शिक्षा है। और उसकी शिक्षा में ही अगर टाका पड़ जाएगा, उसकी शिक्षा में ही अगर नकल कराने वाले आ जाएंगे, उसकी शिक्षा में ही पेन ड्राइव से नकल हो जाएगी, पेपर फिक्स्ड हो जाएगी, तो भाई बहनों पर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि हम इस बार जितने भी हमारे भर्ती घोटाले हुए हैं, जितनी भर्तियों में गड़बड़ हुई है, और ये भर्ती घोटाले, भर्ती की गड़बड़ियां, ये कोई आज की गड़बड़ियां नहीं है, ये पिछले कई सालों से हो रहा था, 15-16 से लगातार इसमें शिकायतें चल रही थी। लेकिन हमने तय किया कि अब आगे नहीं होगा, इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगाना होगा। आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होंगी वो सब पारदर्शिता के साथ, सब योग्यता के आधार पर। अब किसी भाई बहन को, किसी बेटे बेटे को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ अन्याय होगा, उसका पर्चा लीक कर दिया जाएगा, पहले से पेपर फिक्स कर दिया जाएगा, या गिरोह के गिरोह, बड़े बड़े अपराधी, कोई भी इस पर काम नहीं करने वाले। क्योंकि अब हम लोगों ने इस पर एक ऐसी नजीर पेश कर दी है, एक नजीर सामने रख दी है कि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना करने की बात भी बहुत बड़ी बात है, कोई इस दिशा में सोचेगा भी नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, हमने 7,000 की भर्तियां जो हमारी अधीन सेवा चयन आयोग से होनी थी, उन सभी भर्तियों को हमने तत्काल निर्णय लिया कि 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी लोक सेवा आयोग से करवाने का निर्णय लिया। और लोक सेवा आयोग ने सबके कैलेंडर जारी कर दिया है। 20,000 अभियोजन पद है, उन सभी पदों पर सभी विभागवार हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ, प्रत्येक माह जितनी भी रिक्तियां खाली हैं उन सब रिक्तियों की हम लगातार समीक्षा करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी कैलेंडर भी हमने उसका पूरा जारी कर दिया है, आगे आने वाली भर्तियों को भी हम कैलेंडर जारी करने वाले हैं। हम रोजगार के साथ साथ हमारे सभी युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। 1,25,000 बहनों को हमने लखपति बहनें बनाने का निर्णय लिया है। विभिन्न प्रकार के जो काम है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उनसे उनको सीधे लाभ हो। इसके साथ ही साथ हम राज्य में स्पोर्ट कल्चर को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए हमने पिछले वर्ष नई खेल नीति को हम लोग लाए हैं, उसको और जितना अच्छा हो सकता है अच्छा करने की ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं नौकरियों में भी हमने खेल कोटा को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ राज्य में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना 8 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने का भी हमने निर्णय लिया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक हमने 3,500 से भी अधिक खिलाड़ियों को इस खेल छात्रवृत्ति देने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार हमारे प्रदेश के भाई बहनों के, युवाओं के चहुमुखी विकास और उन्नति में पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर और प्रतिबद्ध होकर हम अपने युवाओं और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उस पर हमारा पूरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि राज्य के युवा राज्य की प्रगति में अपना योगदान देंगे, पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा संकल्प है कि 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, उसमें हम सब युवाओं का,
सबका आह्वान करते हैं कि सारे युवा इसमें आगे बढ़े, अपने अपने क्षेत्रों पर अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें, परिश्रम से काम करें, संकल्प लेकर और लक्ष्य निर्धारित करें। क्योंकि आज हम इस खेल युवा राजमिस्त्री महोत्सव में भाग ले रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को दिन हम स्वामी जी को याद करते हैं और स्वामी जी ने हम सबके सामने अनेकों लक्ष्य करने का काम किया। स्वामी जी ने मनुष्य के बारे में कहा कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है, वो जो करना चाहे, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहे, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन बस स्वयं को जानने की आवश्यकता है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है, एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और जीवन में संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प अगर लेकर कोई विकल्प न खड़ा करा और संकल्प पर अगर हम आगे बढ़ते चले गए तो संकल्प सिद्ध होगा, संकल्प पूरा होगा और संकल्प में नहीं विकल्प आ गया तो ये तय मानिए कि संकल्प में जैसे ही विकल्प आ जाता है वैसे ही संकल्प टूट जाता है, रास्ते दूर हो जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, संकल्प में विकल्प न लाकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को साधने का काम हम स्वामी जी का स्मरण करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा। तो आज के अवसर पर मैं यही घोषणा करना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी के शुभ अवसर पर भारत सरकार की भांति राज्य एवं जनपद स्तर पर भी युवा दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत धनराशि जो प्रतिवर्ष आएगी उसको ग्रहण किया जाएगा। इसके साथ साथ युवा मंगल दल एवं महिला मंगल दलों को अभी तक जिला योजना के अंतर्गत अभी तक जो योजना है उसमें 400 रुपये की प्रोत्साहन सामग्री दी जाती है, उसको बढ़ाकर 4000 की जगह 5000 किया जाएगा। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए और हमारे बेटे बेटियों के लिए जिस प्रकार से भी सरकार की जो योजनाएँ जिस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होंगी उन सभी को किया जाएगा। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको अच्छे प्रदर्शन के लिए आगे जाएं और वहाँ पर निश्चित रूप से आप हमारे राज्य का देवभूमि का नाम रोशन करने का काम करेंगे। एक शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी पार्टी का नाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।